तो हेलो गाइस, तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ नए डिवाइस को MIUI 13 के अपडेट्स मिले और MIUI 12.5 इनहांस एडिशन के अपडेट्स देखने के लिए मिले। वैसे यहाँ पर ये वीडियो कल रात को आ जाती थी बट यहाँ पर किसी कारणवश नहीं आ पाई, इसलिए यहाँ पर ये वीडियो अब देखने के लिए मिल रही। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में रेडमी 9 प्राइम यूजर के लिए। अगर आपके पास रेडमी 9 प्राइम का डिवाइस है तो गाइज यहाँ पर आप लोग के लिए अच्छी न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर ये अपडेट पब्लिकली रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। डेली किसी ना किसी यूजर को देखने के लिए मिला, परसों भी मिला और कल भी यूजर को ये अपडेट देखने के लिए मिला है, जिसमें मिलता है MIUI 12.5.3.0 का लेटेस्ट बिल्ड नंबर, 451 MB की साइज है और अपडेट लॉक की बात करें तो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने के लिए मिलता है जनवरी का, और यहां पर आपको ऑप्टिमाइजेशन देखने के लिए मिल जाती है। तो ये न्यू अपडेट है, अगर आप लोग को अभी भी नहीं मिला है तो आप लोग चेक कर सकते हो अभी भी जाकर, अगर अपडेट आता है तो डाउनलोड करके अपडेट जरूर कर लेना रेडमी 9 प्राइम यूजर के लिए। अच्छी बात है कि आप लोग को सभी को अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, इस वीक में सबको भी मिल चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस। तो यहाँ पर MI 11 आई का अगर आप लोग डिवाइस यूज करते हैं तो आप लोग के लिए अच्छी न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी कुछ यूजर के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि MI 11 आई में MIUI 13 अपडेट कब मिलेगा। तो यहाँ पर फाइनली उनके लिए अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। स्क्रीन पर आप लोग बिल्ड नंबर देख ही सकते हो, MIUI 13.0.1.0 का बिल्ड नंबर है, 3.3 GB की साइज देखने के लिए मिलती है। सिस्टम का एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको मिल जाता है फरवरी 2022 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट, जो कि अच्छी बात है। साथ में मिलता है आपको एंड्रॉयड 12 का अपडेट, काफ़ी अच्छी बात है, और मोर फीचर एंड इम्प्रूवमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि न्यू में आपको क्या मिलेगा। एप्स कैन बी ओपन एज फ्लोटिंग विंडो डायरेक्टली फ्रॉम द साइड बार, ऑप्टिमाइजेशन इनहेंस एक्सेसिबिलिटी सपोर्ट फॉर फोन क्लॉक एंड वेदर ऑप्टिमाइजेशन में आपको मिलेगा, और माइंड मैप नोट्स आर मोर कन्वीनियंट एंड इंटिटिव नाउ, ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये चीज़ आपको MI 11 आई के MIUI 13 अपडेट में रोल आउट की गई है। अभी मैं आपको बता दूं, वैसे ही अपडेट काफ़ी कम यूज़र को मिला है, और मैं आपको बता दूं ये जो अपडेट है ना ग्लोबल यूज़र को देखने के लिए मैंने, आप लोग ऊपर चेक कर सकते हो, ग्लोबल यूज़र को मिला है तो अच्छी बात है यार इंडियन यूज़र के लिए भी, क्योंकि ग्लोबल में मिलना स्टार्ट हो गया तो 2 वीक के बाद ये अपडेट फिर इंडिया में भी मिलेगा, जैसे ही अपडेट सभी पब्लिक यूज़र को अपडेट ग्लोबल में मिलना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद, तो आप लोग के लिए अच्छी न्यूज़ है। जैसे सभी यूज़र को मिलते रहेगा मैं आपको वीडियो के जरिए बताता रहूँगा। अब नेक्स्ट डिवाइस की बात करते हैं, अगर आपके पास पोको X3 प्रो का डिवाइस है तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं MIUI 12.5.9.0 का बिल्ड नंबर देखने मिलता है, लेटेस्ट बिल्ड नंबर है, और ये जो अपडेट है पहले कुछ यूजर को देखने के लिए मिला था, पहले पायलट यूजर को मिला था फिर पार्शियल रिलीज किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर और भी पब्लिक यूजर को अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। 220 MB की साइज देखने की मिलती है, अपडेट लॉग में आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है जनवरी का, और यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन देखने के लिए मिल जाती है। अभी ये जो अपडेट है ये भी ग्लोबल वेरिएंट के लिए देखने के लिए मिला है, जिनके पास पोको X3 प्रो का ग्लोबल वेरिएंट है, हालांकि मेरे पास इंडियन वेरिएंट है, अगर आपके पास ग्लोबल वेरिएंट है तो आप लोग चेक कर सकते हो, आप लोग को भी अपडेट मिला होगा, अगर नहीं मिला तो फटाफट से अपडेट कर सकते हो, ठीक है। इसकी लिंक्स वगैरह आपको कहाँ पर मिलेगी, ये जो टेलीग्राम चैनल है भाई इसको ज्वाइन कर लेना, इसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आपको कोई भी अपडेट की लिंक्स मिलती रहेगी। अपडेट अगर आपको नहीं आता है, मिस कर देते हो, तो यहाँ से अपडेट कर सकते हो एनी टाइम, इसलिए ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर ये जो लेटेस्ट बिल्ड नंबर का अपडेट है आप देखते हैं, ये अपडेट आपको इंडिया में भी देखने के लिए मिलता है इसी टाइप का, या फिर एंड्रॉयड 12 या फिर MIUI 13 मिलता है, वो तो अपडेट के बाद पता चलेगा। फिलहाल के लिए ग्लोबल यूजर के लिए अपडेट मिला है जिसमें जस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस, जिनके पास पोको X3 GT का डिवाइस है तो आप लोग के लिए भी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के लिए एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिला है। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो MIUI 12.5 इनहेंस का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर बिल्ड नंबर देख सकते हो MIUI 12.5.8.0 का बिल्ड नंबर मिलता है, 15 MB का यहाँ पर बताया गया, बट यहाँ पर कुछ यूज़र को अपडेट देखने के मिला है पोको X3 GT में, तो यहाँ पर ये अपडेट ग्लोबल यूज़र को मिला है। तो अगर आपके पास पोको X3 GT का ग्लोबल वेरिएंट है तो आप लोग भी चेक करो और मुझे ज़रूर बता देना कमेंट करके कि आप लोग को ये अपडेट मिले हैं या फिर नहीं। इसके अलावा नेक्स्ट डिवाइस की बात करो तो Redmi Note 9 Pro का अगर आपके पास ग्लोबल वेरिएंट है तो आप लोग के लिए भी एक न्यू अपडेट मिला है, MIUI 12.5.4.0 का अपडेट, 544 MB की साइज है, और ये जो अपडेट है ये पब्लिकली देखने मिला है जिनको नहीं मिला था उनके लिए। तो ये कुछ डिवाइस है जिनको अपडेट्स मिलना स्टार्ट हो चुके हैं इंडिया में भी और ग्लोबल में भी, और जिनके पास ग्लोबल वेरिएंट का डिवाइस है इंडिया में भी तो आप लोग भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी और कई सारे ऐसे डिवाइस जिनको अपडेट्स नहीं मिलते तो उनके लिए इस महीने में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है, अब डेफिनेटली काफी सारे डिवाइस को अपडेट्स मिलने वाले हैं, आपको वीडियो के जरिए बताता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद है फटाफट से इसको लाइक कर लो, चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल बटन सब्सक्राइब नहीं कर उसको प्रेस करवा, जो बेल आइकन है उसको ऑल पे क्लिक कर दो, हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, अपडेट मिस नहीं होगा, हर वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।